नमस्कार, मैं हूँ जिंगर दाऊ। फिर से मैं डीसी ऑफिस का जो ऑपोजिट जहाँ पे सिख शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी द्वारा कल से जो हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, फिर से उसी का नज़ारा हम दिखाने के लिए फिर से यहाँ पर आए। तो लगभग अभी 11 बजे पार हो चुका है, यानी कि उन लोग यहाँ हंगर स्ट्राइक में ये प्रदर्शन करते हुए 24 घंटा जो पार हो चुके हैं। तो उसी विषय में हम कुछ यहाँ का जो स्टेटस है, कल रात किस तरह से गुजरा है, या फिर कुछ जो यहाँ का उन लोग का मांग की जो किए जा रहे थे, तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा या प्रशासन द्वारा क्या रिएक्शन आया, उसके बारे में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मार कम्युनिटी से। तो आप कल से यहाँ बैठे हैं, तो आपका क्या कहना है? सारा पॉइंट तो कल आप लोगों ने बता दिया है दर्शकों को, और कल रात से अभी तक का क्या स्टेटस है उसी को हम लोग, हमारा जो दर्शक हैं उन लोग को बताने के लिए आए। बस कल रात से यहाँ में जो बैठा है, हम लोग अब तक बैठा है, और कल रात गुजरा जो भी हो, गवर्नमेंट और हम लोग का सिक्योरिटी दे के बहुत अच्छे से देखभाल के, इसमें तो बहुत थैंक्स देता। फिर भी हम लोग का जो मांग है इसके द्वारा, तो कोई अभी तक में कोई हम लोग को पूछने वाला और हम लोग का मांग के ऊपर क्वेश्चन करने वाला और यो करने वाला कोई गवर्नमेंट का ओर से तो अभी अब तक तो आया नहीं। इसलिए हम लोग बैठते रहेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक बैठेगा। और गुजरा कल रात, बारिश भी थोड़ा कुछ आया, तकलीफ़ तो थोड़ा कुछ है, ज़रूर होगा, हम लोग का मांग भरा है, इसलिए हम लोग तकलीफ भी खाना है। तकलीफ़ तो हम लोग के लिए कुछ नहीं है, तकलीफ़ तो होना ही चाहिए, कोई बात नहीं है, होगा और भी होगा, इससे भी भरा भी होगा। फिर भी हम लोग को जितना यहाँ का डिस्ट्रिक्ट और लोग से डिस्ट्रिक्ट का जितना मेम्बर्स हम लोग ट्राइबल स्पेशली वो लोग थोड़ा जाग के हम लोग यहाँ का तकलीफ और प्रॉब्लम कल में जितना बताया हम लोग लीडर्स ने, इन सब को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ का काउंसिल का हो या ना हम लोग का दूसरा लीडर्स, हम लोग का इलेक्टेड हो या हम लोग का कम्युनिटी लीडर्स लोग को जगा के हम लोग का तकलीफ वो जो है ट्राइबल्स का सिविल ट्राइब का यहाँ का जो पावर डाइल्यूशन हो रहा है, इसी को पॉइंट लेके मुद्दा को लेके जितना कम्युनिटी लीडर लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता साथ दीजिए। और हम लोग का कहना क्या है, हम लोग का रोना क्या, आंसू का क्या है, मतलब आंसू का मीनिंग क्या है, हम लोग का आवाज़ क्या कारण से, इसी कारण को पहचानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए सब कोई कम्युनिटी लीडर्स लोग को भी झांकने के लिए सबको हम अनुरोध करता है सिक्स शेड्यूल कमेटी का ओर से। थैंक यू। तो आपने सुना कि 24 घंटा यानी कि कल रात ऐसे बाहर में ये मच्छर का समय, या उसने जिक्र किया है कि बारिश भी हुआ, तो उसी समय में इस तरह से मैदान में रात गुजारना बहुत एक दिक्कत का बात है। लेकिन ये दुख तकलीफ जो है सिर्फ आज का नहीं, बल्कि उन लोग फ्यूचर को यानी कि फ्यूचर को देखते हुए खास करके ट्राइबल लोगों के लिए उन लोगों ने ये कदम उठाया है। तो ये जो धरना है या हंगर स्ट्राइक डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री में ये सिक्स सेल कमेटी द्वारा पहली बार इस तरह का हंगर स्ट्राइक प्रदर्शन करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो सीधा हम चलेंगे कि रात को यहाँ हम लोगों ने देखा कि अलग अलग चैनल यानी कि हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो फोर्टेल, वहाँ हमने देखा कि कल रात 8 बजे 9 बजे समय में भी कुछ चैनल आकर के यहाँ आप लोगों को ज़रूर से नज़ारा दिखाया। और फिर से हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटा गुजारने के बाद जो डेनियल लांगटाजा जी हैं हमारे साथ, उनसे हम कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो आज अभी 24 आवर्स कंप्लीट हुआ है हम लोग का हंगर स्ट्राइक का, अनशन का। कल हम लोग ने 11 बजे शुरू किया था, तो आज 11 बजा है वैसे। तो कोई कोई नया आदमी लोग भी आके जुड़े हैं। तो जैसे हम लोग ने बोला है कि हम लोग का कुछ कुछ कोर मेंबर्स तो हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, लेकिन अगर कोई आके सपोर्ट करना चाहता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी आके हंगर स्ट्राइक में कंटिन्यूसली बैठे। आके थोड़ा देर के लिए, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, 1 घंटा के लिए हो, 5 घंटा के लिए हो, या 1 दिन के लिए हो, ऐसा भी आके बैठ सकता है। तो आज कुछ कुछ
नया लोग भी आया है। तो जैसे हम लोग ने बोला था कल, मैं फिर से दोहराऊंगा कि हम लोग क्यों ये हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं। तो हमारा जो मेन डिमांड है, और डिमांड भी नहीं कहूँगा मैं, एक्चुअली ये हमारा हक है, जो हमारा हक को दिया नहीं गया है फॉर द लास्ट 55 ईयर्स, तो वो है आर्टिकल 244A। तो आर्टिकल 244A जो हमारा संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या बोला जाता है कि हमारा जो हिल ट्राइब्स में जो लोग रहते हैं असम के अंदर, वो लोग को एक ऑटोनोमस स्टेट दिया जाएगा। ऑटोनोमस स्टेट हो गया एक स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम, 1969 को कॉन्स्टिट्यूशनली हमें दिया गया था, क्योंकि उस टाइम में नॉर्थ काचार हिल्स, मिकिर हिल्स, हम लोग को एक ऑप्शन दिया गया था कि आप जो नया एक स्टेट फॉर्म होने जा रहा है, जो बाद में मेघालय हुआ, तो उसमें जाना पसंद करोगे ना आसाम में रहने का पसंद करोगे। तो हम लोग मेघालय तो नहीं गया, हम लोग को आसाम के साथ में था, लॉयल था हम लोग आसाम के साथ में, लेकिन इन रिटर्न हम लोग को ऑटोनोमी और हम लोग को भी पावर चाहिए था। तो इसीलिए सरकार ने हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिया आर्टिकल 244A, लेकिन आज तक वो जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हुआ है। आज तक हम लोग को सिर्फ रोक के रखा है, फुसला के रखा है। एवरी इलेक्शन जब आता है तो कोई भी पार्टी हो, इसको इलेक्शन एक मुद्दा बनाता है। और हमारा जो अभी का रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भाजपा पार्टी, वो लोग भी 2014 में भी राजनाथ सिंह जी आया था, उसके बाद में 2019 में अलग अलग लीडर आके वादा करके गया, और मैनिफेस्टो में भी एक नंबर पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A को रखता है। ये रिसेंटली ये लोकसभा इलेक्शन में भी हमारा जो कैंडिडेट है बीजेपी का अमर सिंह तीसो, उसने भी बोला ये। उसके बाद में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी वो भी आए, और उसने भी वादा किया कि इस बार अगर बीजेपी को फिर से आप लोग जिताओगे तो डेफिनेटली आर्टिकल 244A, हम लोग तो पहले से लग रहे हैं आपका CM और MP लोग, तो हमारा तो सपोर्ट है पूरा। तो अगर सेंटर से सपोर्ट है, अगर स्टेट लेवल से सपोर्ट है, और अगर काउंसिल लेवल में भी सपोर्ट है, तो ओपोजिशन किसका है वो पब्लिक लोग नहीं समझ रहा है। तो अभी तक पास नहीं करने का कारण क्या है? अगर सब राजी तो क्यों हम लोग रुक रहा है अभी भी? तो इसीलिए हम लोग अभी हंगर स्ट्राइक में निकला है, क्योंकि ये हमारा डिमांड नहीं है, ये सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी ने आज ये ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये डिमांड सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी का डिमांड नहीं है, ये पब्लिक का डिमांड है। और सिर्फ डिमा हासाओ का नहीं, ये डिमा हासाओ कार्बी आंगलोंग का मिलके यूनाइटेड हम लोग का ये डिमांड है बहुत सालों से, तो इसलिए ये फुलफिल होना चाहिए। नहीं तो हमेशा इलेक्शन में सिर्फ वादा करके मैनिफेस्टो में एक नंबर पॉइंट में लिख के फिर भूल जाएगा, ये तो बच्चा का खेल जैसा हो गया। बच्चा लोग भी ऐसा झूठ तो नहीं बोलता होगा जितना हम लोगों ने अभी बोल रहा है। तो आदमी का, लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर, संविधान के ऊपर विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसा धोखा मिलते रहेगा। तो इसलिए इस बार हम लोग ने नाउ और नेवर, डू और डाई, नाउ और नेवर, इनफ इज इनफ, ऐसा दिल में सोच के हम लोग इसलिए हंगर स्ट्राइक में बैठा है। तो लोगों को भी एक साथ लाने के लिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को डिवाइड कर देता है अलग अलग कम्युनिटी लाइंस में, रिलीजन लाइंस में। हम लोग यहाँ का लोग बहुत सीधा साधा है, इसलिए बहुत इजीली हम लोग डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए वो एक मैसेज जाने के लिए आज यहाँ हम लोग सिर्फ सरकार को आवाज़ नहीं दे रहे हैं, खुद का लोगों को भी आवाज़ दे रहा है यूनाइट होने के लिए। अगर यूनिटी हम लोग रखेगा तभी मतलब हम लोग सक्सेस होगा, अगर हम लोग डिवाइडेड रहेगा तो हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग कुछ अगर पावर बचा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। तो बाकी जैसे कि मैंने बोला, डिमांड 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये अभी लोकसभा राज्यसभा में प्लेस है, इसको अगर अभी इस करेंट फॉर्म में पास कर दिया जाएगा तो हमारा अपना काउंसिल का इलेक्ट्रल रोल बनाने का पावर,
इलेक्शन कंडक्ट करने का पावर ये चला जाएगा, और सिर्फ काउंसिल का नहीं, ये बिल पास होने के बाद विलेज काउंसिल भी बनेगा। अभी हम लोग बोलता है कि हम लोग का कल्चर से, हम लोग का ट्रेडिशन से, ये हम लोग का बहुत क्लोज है हम लोग के लिए। तो हमारा कल्चर में जैसे हम लोग गाँव को चलाता है, जैसे हम लोग गाँव बुरा को चूज़ करता है, वो अपना ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अगर हम लोग विलेज काउंसिल सिस्टम से इलेक्शन करेगा जो पंचायती सिस्टम में जाता है, तो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन कहाँ जिंदा रहेगा? तो अगर कल्चर ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन को, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है हम लोग, तो वो विलेज लेवल में जो है उसको हम लोग चेंज नहीं करना है। सिक्स शेड्यूल के अंदर में हम लोग विलेज काउंसिल फॉर्म कर सकता है, सिक्स शेड्यूल के अंदर में ही पावर दिया है। तो हम लोग कल अगर विलेज काउंसिल फॉर्म करेगा काउंसिल, तो वो हम लोग ट्रेडिशनल वे में फॉर्म करेगा। लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है ये बिल के ज़रिए, वहाँ में तो हम लोग को इलेक्शन करना पड़ेगा, और वो इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे फॉर्म हुआ? अंडर असम पंचायत एक्ट। तो पंचायत का इलेक्शन करने के लिए ये स्टेट इलेक्शन फॉर्म किया। जो कमीशन पंचायत इलेक्शन फॉर्म करने के लिए बनाया गया है, वो काउंसिल का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करेगा? काउंसिल का लेवल तो पंचायत से बहुत ऊपर है, पंचायत तो एक टू लोकल लेवल बॉडी है। हम लोग का जो काउंसिल है, हम लोग तो ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिला बल्कि जब तक ऑटोनोमस स्टेट मिला हम लोग काउंसिल चला रहा है, लेकिन ये एक तो ऑटोनोमस बॉडी है, नाम में ही ऑटोनोमस है। पंचायत इज़ नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी। तो इसीलिए हम लोग इन इस करेंट फॉर्म अभी जैसे बनाया है उससे हम लोग नाखुश है। ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उससे हम लोग नाखुश है। लेकिन दुख का बात क्या है, जो जो स्टेक होल्डर्स, इवन हमारा काउंसिल के तरफ से, कार्बी आंग्लोंग का काउंसिल के तरफ से जो सजेशंस गया रहा स्टेक होल्डर्स के तरफ से, वो सब नहीं लिया, वो सब सजेशंस नहीं लिया। और ये जो रिपोर्ट है वो लोग जो बनाया दिसपुर में, दिल्ली में बैठ के कोई बना दिया, यहाँ का स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन ही नहीं लिया, वो बहुत दुख का बात है। लेकिन उसमें हम लोग का काउंसिल भी सपोर्ट देना चाहिए। सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से बहुत दिनों से हम लोग काउंसिल को रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक मीटिंग होल्ड करने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को बुला के इसके बारे में, 125th अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करने के लिए। कल एक मीटिंग कॉल करा हम लोग, सुना है न्यूज़ के ज़रिए, लेकिन अभी तक इन्विटेशन नहीं आया। तो मैं ये न्यूज़ के ज़रिए काउंसिल को भी बोलना चाहता हूँ कि जब इतना दिन से हम लोग ने आपको रिमाइंड करते हैं करने के लिए, तब आप लोग नहीं किया। अभी जब बिल ऑलरेडी इतना साल हो गया, अगर आपको सच में सबके साथ डिस्कस करना था तो पहले भी आप बुला सकता रहा। लेकिन अगर इस बार बुलाया तो डेफिनेटली वो प्रेशर के अंदर में बुलाया, तो लेकिन हम लोग को भी बुलाना चाहिए सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी, क्योंकि हम लोग का सजेशंस आप लोग के साथ में है देने के लिए। आप लोग ने तो इतना दिन कुछ अपोज नहीं करके रखा, तो जब हम लोग अपोज किया तो चलो मिल के बात करेंगे, ये आपका बात हमारा बात नहीं है, ये सब के लिए है। सिक्स शेड्यूल सिर्फ एक एमएससी के लिए नहीं है, एक सिंपल गांव का आदमी के लिए भी है। तो जो भी डिसीजन होगा मिलजुल के होना चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, और आर्टिकल 244A के बारे में भी हम लोग सब मिल के यूनाइट होना चाहिए। हम अपील करना चाहता है कार्बी आंग्लोंग के लोगों को भी, काउंसिल का लोगों को भी, आप लोग आगे बढ़िए। MLA हम लोग का जितना है आप लोग आगे बढ़िए, हमारा नया MP है वो लोग भी आगे बढ़िए। अगर आप लोग ही डिवाइडेड होकर चुपचाप रहेगा तो ये कहाँ फुलफिल होगा, हम लोग का सपना कहाँ फुलफिल होगा। इसीलिए अपना काम, पब्लिक ने आपको चुना है क्योंकि हम लोग को भी एक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है। सिर्फ मतलब हमको 5 kg चावल मिलने के लिए, उसके लिए पब्लिक नहीं चुना है। सिर्फ अरुणोदय स्कीम थोड़ा हमको मिल जाए उसके लिए पब्लिक आप लोग को नहीं चुनता है। आप लोग, हम लोग का एक तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है। हमारा डीमा हासाव के साथ इनजस्टिस किया हुआ, लास्ट ईयर भी देखो हम लोग को कार्बी उन लोगों का एक सीट बढ़ा दिया। अच्छा बात है, हम लोग खुशी है अपना ट्राइबल भाई बहन लोगों का एक सीट बढ़ा MLA, लेकिन वो लोग का ऑलरेडी 4 सीट से 1 सीट बढ़ा के 5। हमारा जब से इंडिपेंडेंस मिला तब से एक सीट में रह गया हम लोगों, और नहीं बढ़ा के रखा। हम लोग पॉपुलेशन कम है बोल के ऐसा हम लोग को सजा देगा नहीं क्या? आज के दिन में अगर हम लोग मिजोरम में होता रहा, मेघालय में होता रहा, तो 25,000 में एक MLA बन जाता है, 15,000 में एक MLA बन जाता है। अभी 2021 सेंसस देखेगा तो हम लोग को 1,50,000 से पार होकर हम लोग को 2,00,000 पहुंच गया है हम लोग का। तो इसलिए हमारा असेंबली सीट्स को बढ़ाना चाहिए,
और लोकसभा में भी हम लोग को एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हम लोग यहाँ का जो इंडिजिनियस लोग है वो आसाम का भी नहीं बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अर्लीस्ट सेटलर्स में से है। फॉर एग्जांपल यहाँ का जो डिमासा ट्राइब है वो तो आहोम लोग से भी पहले यहाँ में बैठा है। हम लोग यहाँ का सन ऑफ द सॉइल है ओरिजिनल। तो आज का दिन में हमारा यहाँ का इंडिजिनियस जो लोग है वो लोकसभा में एक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, वो बहुत दुख का बात है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। अगर सिर्फ पॉपुलेशन वाइज ही अगर आप लोग खेल खेलोगे तो हम लोग तो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट खुद बोलता है अभी 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने से गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगा बोल के। तो आप लोग पहले तो दूसरा लोग तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, हम लोग तो आज भी पॉपुलेशन कंट्रोल करके पॉपुलेशन रेशियो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा है, सबसे हेल्दी है। तो पॉपुलेशन हम लोग काम किया बोल के क्या हम लोग को लोकसभा नहीं देगा, हम लोग को एक्स्ट्रा MLA नहीं देगा, ये क्या बात हुआ? आप लोग का बात दूसरा होता है, इस साइड दूसरा बात होता है। अगर तब तो अभी ये ऑर्डर उठा दो कि 2 बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, ये ऑर्डर उठा दो, हम लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, ये खुद चीफ मिनिस्टर बोलता है। तो हम लोग क्या अभी से 10 बच्चा पैदा करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा दूसरा डिस्ट्रिक्ट का, जैसे साथ साथ चलने के लिए MLA सीट मिलने के लिए, लोकसभा सीट मिलने के लिए? तो डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चलेगा। जो हम लोग का राइटफुल हम लोग का जो मिलना है वो हम लोग को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक में बैठा है। हम अपील करता है कि लोगों को भी पॉलिटिकली और भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ। आज हम लोग कल हम लोग ने यहाँ में बैठ के सब ऑर्गेनाइजेशन, सब स्टूडेंट यूनियन, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन्विटेशन भेजा है और अभी भी समय है हम लोग को एक साथ आ जाने के लिए, अभी भी समय है हम लोग यूनाइट होने के लिए। अभी किसी को शुरू करना है इसलिए हम लोग ने 6th शेड्यूल कमिटी बोल के लिखा है। अगर कल सब आ जाएगा ना, ये बैनर हटा देगा हम लोग को, ये बैनर हटा देगा, ये बैनर सेनर नहीं चाहिए, ये हम लोग का नाम नहीं चाहिए। अगर कल कोई भी लीड लेगा, कल कोई MP MLA मिनिस्टर आके लीड लेगा तो हम लोग उसका पीछे में जाएगा, हम लोग आगे खड़ा नहीं होगा, हम लोग पीछे रहेगा। कोई स्टूडेंट यूनियन सब मिल के अगर मिल जाएगा कल, हम लोग एक साथ चलेगा, ये बैनर सेनर कोई ये कमिटी हटा देगा। तो इसलिए हम अपील करता है कि समय आ गया नींद से जागने के लिए। तो मोरल न्यूज़ के दर्शकों, दिनिल लंगटा सर जी जो फॉर्मर हपलोंग के जो MSC है यानी कि ऑटोनॉमस काउंसिल, नॉर्थ कसर हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल के वो MSC भी रह चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो यूथ लोगों को म्यूजिक के द्वारा या अलग अलग तरीके से वो यूथ लोगों को एनकरेज करते रहे, लेकिन आज उसका लिविंग स्टाइल जो उसका सेंटीमेंट कुछ हम लोगों ने बहुत बदलाव देखा है। और इस मांग जो है 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये मांग सिर्फ 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का नहीं बल्कि सारा जितने भी यहाँ ट्राइबल लोग हैं उन लोगों का एक मांग है। और ये भी जिक्र किया था कि ये मांग नहीं बल्कि ये हक है, तो इस तरह का उसने विस्तार से बताया। और हम अभी चलते हैं ओमेन लीडर जो हमारे सामने मौजूद हैं दीपाली हपीला, वो भी एक समय में डिमासा मदर एसोसिएशन का बहुत एक्टिव होता हुआ नज़र आया और उससे कुछ समय वो पॉलिटिकल पार्टी में भी उसने जोड़ा, लेकिन आज उसको इस हंगर स्ट्राइक में कल से लगातार अभी तक देख पा रहे हैं। कल हमने उनसे डिमासा लैंग्वेज में पूछे, लेकिन आज अनुरोध करूँगा कि आप हिंदी में ही आज बोलें। हम लोग कल से आज अभी तक बैठा है, 24 आवर्स हो गया साथ, तो हम लोग का साथ बहुत आदमी है और आज बहुत नया फेस देखा है, दूसरा कम्युनिटी से भी आ गया। जितना आज नया आया कल भी आके नया बहुत ज्वाइन किया, उन लोग के लिए हम लोग का तरफ से अप्रिशिएट करता है। और हम लोग और भी अभी भी वेलकम है, और भी नया आदमी, नया ऑर्गेनाइजेशन, नया दूसरा कम्युनिटी से भी आके हम लोग का साथ दो, हम लोग सबको वेलकम है। क्योंकि ये सिर्फ हम लोग उनका कमेटी का काम नहीं है, ये पूरा हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का में जो जो है हम लोग का जो भी ट्राइब्स होने दो उन लोग के लिए, ये फायदा के लिए हम लोग आज यहाँ हंगर स्ट्राइक बैठा है। अभी हम लोग का गवर्नमेंट सब कुछ जानता है, लेकिन जान के भी अनजान जैसा है, लेकिन देख के भी जैसे कि अंधा जैसा है होके है,
फिर भी हम लोग का मेन डिमांड क्या है, हम लोगों का ये 244 आर्टिकल ए को जल्द से जल्द इमीडिएट करना है इम्प्लीमेंट। और हम लोगों का दो नंबर में हम लोगों वो द कॉन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल रिव्यू करना है। अभी जैसा है वो हम लोगों के लिए नहीं होगा, वो रिव्यू करना है, फिर से रिव्यू करके पास होने दीजिए। अभी जैसा है वो जो प्लेस होके है अभी, इसमें हम लोगों का ट्रैवल के लिए बहुत मतलब फ्यूचर के लिए ख़राब होने के लिए बहुत चांस है। और आज देखने मिला हम लोग का सिक्स शेड्यूल होके भी बहुत कुछ स्टेट में चला गया, इसलिए हम लोग का राइट्स, हम लोग का जो पहले से था वो आस्ते आस्ते डाइल्यूट होते जाते हैं। हम लोग ने इसीलिए आज हंगर स्ट्राइक में बैठा। और हम लोग अगर गवर्नमेंट से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम लोग कल भी बोला है, आज भी बोलता है, हम लोग इनडिफिनिट यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठेगा। और हम लोग यहाँ कोई भी आई के हम लोग को यहाँ सपोर्ट के लिए हम लोग वेलकम है, क्योंकि आज आप लोग सोच भी सकते हैं हम लोग ये सिक्स शेड्यूल का प्रोटेक्शन कमिटी का प्लेटफॉर्म में हम लोग नहीं मांगता, उनका बैनर का अंडर में, उनका बैनर में हम लोग आने नहीं मांगता, ऐसा सोचने वाला भी बहुत हाई होगा। ठीक है, नो डाउट, आप लोग अगर आई के हम लोग को यहाँ ज्वाइन करेगा हम लोग का हंगर स्ट्राइक में, तब हम लोग का ये बैनर भी हम लोग हटाई देगा। फिर भी आप लोग आई के ज्वाइन करने से हम लोग बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सब मालूम है हम लोग का फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब होने वाला है, सब लोग बोलता है। अभी रूलिंग पार्टी लोगों तो क्या बोलेगा, अभी खाली पार्टी को ही देखता है लेकिन दूसरा कुछ नहीं देखता, हम लोग का फ्यूचर नहीं देखता। हम लोग का बात हो गया, फ्यूचर देखना है, फ्यूचर में क्या होगा वो देखना है। तो इसके लिए हम लोग है अभी तक, अभी 24 आवर्स तो हो गया, हम लोग चलते रहेगा। और अभी नया नया आदमी लोगों भी आई के ज्वाइन करता है, देखता क्या होता। तो थैंक यू हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए। और मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा जो ज्वेल सर का कुछ हेल्थ का इशू है कल, कुछ हेल्थ का इशू आपका, कुछ तकलीफ है, सिर्फ हेल्थ के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि कल जैसे डायबिटीज जब चेक किया तो आपको पता चला कि वो ब्रश नहीं मारा, मुख धुले नहीं, करा कुछ नहीं खाया, तो इसीलिए मतलब आपका तरफ से कोई पर्सनल आज भी कुछ नहीं बोलेगा। तो ठीक है, तो कल जब मेडिकल चेकअप के दौरान जो शुगर टेस्ट किया गया था, उस समय में मेडिकल टीम के द्वारा पता चला कि ज्वेल्स गर्लोसा जी, वो यानी कि इस कमिटी का जो कोऑर्डिनेटर या एडवाइज़र, उनका हेल्थ का इशू था, लेकिन देख पा रहे हैं कि अभी तक यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ कुछ लोग यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से हो या रंगकोल से हो या कुकी, और पहले भी हमने दिखाया कि वो मार कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी से यहाँ मौजूद हैं। और देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्स ईएम उनको भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन लोग से बाद में हम लोग इंटरव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पूछने के लिए कोशिश करूँगा कि यहाँ लगातार जब से ये कमिटी बना है तब से बहुत एक्टिव से वो देख पा रहे हैं, वो हमेशा एमएलए को लेकर वो हमेशा मुद्दा उठाते हैं। तो नाइडिंग जी आपसे सुनरन सर, तो एक्स ईएम उनसे हम जानेंगे कि हमेशा आप एमएलए का मांग करते हुए आपको देख पा रहे थे, तो आप हमारा जो बोराइल न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या आप मैसेज देंगे? देखिए, हम लोग का हंगर स्ट्राइक आज से लेकर 2 दिन हो गया, तो अभी जो एमएलए के बाद उसका आगे में एक तो बोलने लगता है, तो अभी आगे में भी बोलता है ऑटोनोमस स्टेट के बारे में आर्टिकल 244A, ये तो इम्प्लीमेंटेशन तो मस्ट है, क्योंकि अभी देखता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम में कौन कौन था, कौन कौन लीडर था, उनको रेस्पेक्ट नहीं देखे। आजकल खाली सिर्फ पॉपुलेशन हिसाब में क्या हिसाब में कौन ज़्यादा वोकल होता, तो ये सब चीज़ तो डिसीजन लेके हो ही जाता। तो इसलिए जिस जो अभी
और सिक्स शेड्यूल का पावर तो कम होते होते जाता और हम लोग का जो ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244A ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरत है। ये हम लोग आसाम से बाहर नहीं बोला, स्टेट विद इन स्टेट इसके लिए है, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरत है। इसलिए क्योंकि हम लोग का ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने से तो हम लोग को सिक्स शेड्यूल का जो पावर तो कमती होते ही जाता, तो इसलिए ये सब जरूरत है। और इसलिए आने वाला जो फ्यूचर में भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए अभी हम जो MLA का कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोलने मांगा, हम लोग जो अभी इमीडिएट इंक्रीज इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत जरूरत है, क्योंकि ये लास्ट जो डिलिमिटेशन हुआ था 2023 में 2022 दिसंबर से लेके, उसमें हम लोग को बहुत इनजस्टिस हुआ है, मैंने इंसल्ट करा है दिमाशाव डिस्ट्रिक्ट का, पूरा स्टेट गवर्नमेंट से लेके पूरा यहाँ में पूरा टैक्टिक्स खेला है, यहाँ में जो किसका बेनिफिट ज़्यादा है किसका ये है ये सब, लेकिन हम लोग को जस्टिफाइड था लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन में जो हम लोग का मिलने का हक था, यहाँ में 3 या 4 ये सब था, लेकिन 1 तो इंक्रीज होने के बाद इसलिए बहुत इनजस्टिस हुआ। ये अगर दूसरा जगह में होने से तो बहुत हंगामा होता रहा, वायलेंस होता रहा, लेकिन हम लोग को यहाँ में आदमी पीसफुल आदमी है, हम लोग पीस चाहता है, इसीलिए ठंडा हो गया। बाहर में ऐसा माफी अगर होगा होने से तो ये तो बहुत इनजस्टिस है, बाहर में तो बहुत वायलेंस होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन हम लोग यहाँ का आदमी ठंडा है, इसलिए ये नहीं हुआ। और दिमाशाव डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो लीडर्स के ऊपर में भी बहुत ये गलती भी है, उन लोग को इंटरेस्ट नहीं लिया, आगे 1970 का लेके डोज लेके कहाँ का डोज ले, पहले वाला डोज लेके फायदा नहीं, इसलिए हम थोड़ा दिमाशाव भाषा में भी बोलने मांगता चलो राजी राव इबो MLA कॉन्स्टिट्यूंसी हाबा हा हम छिने गजाई जाए जिनिस का खड़ा उठे गजाई नहीं लो उससे हम सीख ले जाने नहीं कालंखा बुसी यहाँ ना आसाम जो बुसी जुग हल नहीं सूंग हम नाम बोरा जिन्हें इबो आर्टिकल 244 एक गालंबा और MLA बारा मानी ग्राउ बुथ बुख्रे बोलोम इसका बोले जान इबो जिनिस इली जाए दादा बुसी गजाई इबो दुहानी खामे गजाई लेर से खाई आंग बो गजाई ख्रे गजाई तो टाउ टाउ इबो MLA कन्सिडर सूंगला दोला बारा मान इदिन फायगे 2000 काउंसिल नाखलेमन खामबा बुसी MLA बारा रे मने MP साइमा उलेबन नेस खामला डेवलपमेंट क्लाइमेट क्लाय हेरबा गुरी ब्रोके नाइमा नायला बुलबो यहोन गरोथेस्ते ना काउंसिल खामबन अर्थना दे गिदिबा जाबान ना अर्थना दे काउंसिल CM खामबा माबा खामना दे सब उलेबा जदि दुहा मच हाथान निक्ले दादा हाथान के खुश टांगमा याबा गिरि प्रमाण वर दो दो हुजाव दो MLA वर बारा याबा हजार रान फाया दादा प्रपोजल रिबिया दादा 2022 हबो रिया और 2022 यार आसाम कैबिनेट मीटिंग जा हाफा वो हा नादी नांजा उठे छि मिनिटर सिगा मानी MLA खेल नांजा बुटू कैंसिल बगो सिया सालारी जाबाई माबा जाबाई हाँ बुटू लाइदे नमाइल माबा बुटू बोले रंग रंग ऋण ग्रेन थे बबो मैं रंग के सैन राज्य इबो राज्य पब्लिक अवेरनेस नो आज फोन ग्रोनीया इबो जिनी गजाई दुआ खामे गजाई जंग से MLA सीट माइबा माला स्टेट हम हमसे सीटे उदे जाते स्टे रिया उदे नियम इरा माइनिया स्टे उदे जंग एस एर कैबिनेट मीटिंग जाबा सिक्स 2019 अब डिस्ट्रिक उलिन इरा जो MLA सैन खान जान जार आलम डिमार्केशन खेल से बबोलिन गजाई जहा फिर 2022 इरा आसाम कैबिनेट मीटिंग जब हाफलंगा जब उलैनी MLA बुआ MLA लांजो छिया फिर लेनिंग 2000 रेडिशन ब्लू होटल डिसेम्बर लंगदा फेब्रुवारी मार्च इलेक्टेड सब छि थांग एरामफ्रा कार्बेंगलन थांदा उला जाहाय जाय हागोर सिखला इबु जिनिसके नले नले मिथिमा नांगौ जिं दुहा इबु सिनि दांखै जाया जायमान प्रमान गिबिन मुस टाइम नायखा जे इबो उरिजां जिंगरा दुखु नांदा दा क्रिप आन बय जिंगो इरा गिबिन गिबिन इशु बलों फादो आं जिनि बरो बुथिया वांगमं से जिंग नु आं इबो गरो खे बु पॉइंट लाया दिन जिनि बि इम्प्लीमेंट जामा गवर्नमेंट ला जिंग फिलिप प्लेस टाइमा जिन ग्रिबिन्सेस के बिदेमिस सोमा बुन जों से हंगर से खे गबे सिकाबो इबो गरो खे जिंग कॉन्शियस जामा नांगो जिंग जाया जिन हाथा मुसा दया बोलन जिंग लेब गरो खे बु मिस मानांगो
बुखाले बो दुआ बो से काउंसिल सर जी माइचाम से रिमा से जिनके से पोलिटिक्स उलिमलाउडा सूंगे यहां उल्ले खेल जानते जिनते जानवे बैगमान नोल सर बैंसमान बस के बारेमान गौर खेसिया नोला फैगले सें जिन एम एल ए कन्सन सर बेदे जाए जाएगा नी जाए लुम लाइल ना जखा उल्ले गौर खेत सिंह गौर खेत सर थैंक यू ये सरस नाइडिंग जी जो एक्स ईएम है और ईएम होने के बाद भी वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी में वो एक्टिव रहे लेकिन उनका पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं कस ये पॉलिटिकल तो चलता रहेगा पर सबसे पहले ये हमारा जो हक सिक्स शेड्यूल वो बचना चाहिए साथ साथ एमएलए का जो सीट वो भी इंक्रीज होना चाहिए उनका कस यही मुद्दा है तो हम फिर से बैनर को दिखाएंगे यहाँ पर बैनर पे लिखा है उन लोगों का जो डिमांड इंग्लिश में लिखा हुआ है एक नंबर पे इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A डिक्लेयर ऑटोनॉमस स्टेट दो नंबर पे लिखा हुआ है रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल 2019 टू एम्पावर ऑटोनॉमस काउंसिल और तीन नंबर पे लिखा है विदड्रॉ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन दिमासाव और चार नंबर पे लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑर्डर एंड फॉर्म कमीशन टू फ्रेम काउंसिल इलेक्शन रूल्स पांच नंबर पे यानी इसमें आखिरी नंबर है इमीडिएट इंक्रीज इन असेंबली सीट्स एंड सेपरेट लोकसभा सीट फॉर दिमासाव यही उन लोग का डिमांड है लेकिन हम और दूसरा बैनर पे जाएं जो बाहर पे एक लिखा है तो उनमें और छः नंबर पे लिखा है कि स्टॉप इलीगल लैंड ग्रैब फ्रॉम कुछ लैंड के बारे में लिखा हुआ है तो उन लोग का ये हुआ खास डिमांड तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जितने दिन तक उन लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे तब तक का स्टेटस या अपडेट हम देते रहेंगे उससे पहले अंत करने से पहले हम फिर से डेनियल से एक बात पूछेंगे हाँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं आखिरी में एक बात मेरा मन में आया इसलिए हम वो शेयर करना चाहता है कि देखो रिसेंटली एक न्यूज़ निकला कल परसों का बात है गुजरात में तो वो नेशनल न्यूज़ भी हुआ नेशनल न्यूज़ हुआ और क्या हुआ वो न्यूज़ में 10 गवर्नमेंट पोस्ट निकला था 10 टू नौकरी का पोस्ट निकला और 10 टू नौकरी का पोस्ट में 1,800 आदमी जमा हुआ भीड़ हो गया एकदम वो ऑफिस में बिना तो वो पूरा नेशनल न्यूज़ हो गया कि देखो गुजरात में भी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है मतलब पहले तो हम लोग को गुजरात मॉडल बोल के 2014 में बोला कि ये गुजरात मॉडल को इंडिया में लाना चाहिए क्योंकि गुजरात एकदम डेवलप हो गया लेकिन कल परसों एक न्यूज़ निकला था कि 10 टू गवर्नमेंट जॉब में 1,800 लोग अप्लाई करा तो बहुत लोग पूछा ये नेशनल न्यूज़ हो गया बहुत लोग पूछा अरे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है गुजरात में देखो लेकिन कल परसों हाफलोंग में नौकरी निकला डिमा हसाओ में 5 पोस्ट के लिए फोर्थ ग्रेड का 5 पोस्ट में निकला उसमें 1,100 लोग अप्लाई किया तो सोचो गुजरात से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इधर में है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में 10 टू पोस्ट में 1,800 अप्लाई करा ये हम डिपार्टमेंट देखो हाफलोंग खुरांग में आपको देखने को मिलेगा हम दिखा देगा एक बार लेकिन 5 सीट में 1,100 लोग अप्लाई करा तो आप सोचो आने वाला दिन में कितना हम लोग को और तकलीफ होगा अरे यहाँ में लिखा है दूसरा डिपार्टमेंट गिविन डिपार्टमेंट हाँ जाऊडू तो अलग अलग सेरिकल्चर का वो डिपार्टमेंट में भी यहाँ में देखो लेकिन किसी ने लिखने दिया है ना ये न्यूज़ ना मालूम नहीं लिखा है कि बहुत अच्छा बात है वो ये डेवलपमेंट है बोला ये हम समझ के नहीं मिला वो कैसे डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट है बोला 5 नौकरी निकालने में 1,100 आदमी अप्लाई करा वो डेवलपमेंट है बोला क्यों डेवलपमेंट है बोला जेरोक्स में भी आदमी पैसा कमाया बोला एक फॉर्म लेने में जेरोक्स तो 1,000 आदमी लेकिन ऑटो में चल के गया वो ऑटो भी पैसा कमाया बोला ऑटो वाला भी तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ बोला
तो आप समझो 1000 आदमी, कोई कोई एम ए लुकुन भी है, एम ए पास करके है, तो ऐसा चलते रहने से हम लोग को यूथ लोन को क्या होगा सोचो तो। 1000 तो अप्लाई करा, हाफलोंग आने सका, गांव का कितना लोग तो पहुंचने भी नहीं सका होगा, नहीं तो और नौकरी मांगने वाला कितना लोग है। तो बात है कि आज के दिन में हम लोग का जो जॉब, हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ गया अभी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग उनका अभी ऑटोनोमस स्टेट चाहिए चाहिए। अगर हम ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ते रहेगा हम लोग को। हम लोग का काउंसिल और आसाम गवर्नमेंट का अंदर में हम लोग का जितना जॉब निकलता है उससे हम लोग को नहीं मिलेगा। आसाम का पॉपुलेशन कितना है, 3 करोड़ ऊपर है। आसाम का जो जॉब का निकलता है उसमें बाहर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो लोग ज़्यादा मैक्सिमम जॉब लेके जाएगा। तो हम लोग को एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को कितना ही जॉब मिलेगा, और हम लोग का काउंसिल भी उतना जॉब निकाल के देने नहीं सक रहा है। ठीक है, काउंसिल जितना कोशिश करेगा और भी देना है, और फेयर करके देना है, ना कि मतलब बिना कुछ नोटिफिकेशन दिए ये सब जॉब दे देता है। आजकल स्टूडेंट यूनियन लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि 5 पोस्ट निकलने में 1100 आदमी अप्लाई करा। आज के दिन में गुजरात से, दूसरा जगह से भी, बिहार से भी हालत ख़राब हो गया हम लोगों का। तो इसलिए ऑटोनोमस स्टेट जो 55 ईयर से रुक रहा है, हम लोग मिलना है। जब हम लोग को अपना ऑटोनोमस स्टेट मिल जाएगा तब हम लोग आसाम गवर्नमेंट को ऊपर में ज़्यादा डिपेंड करने नहीं लाएगा, हम लोग को अपना हम लोग को नौकरी देगा। जैसे मिजोरम अपना आदमी लोग को नौकरी देता है, मेघालय अपना आदमी को नौकरी देता है, हम लोग भी अपना आदमी को नौकरी देगा, अपना नया ऑटोनोमस स्टेट होगा। तो ये एक तो सपना नहीं है ना, ये तो पॉसिबल है, ये तो रियलिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आर्टिकल 244A लिखा है। अभी भी हम लोगों क्यों यूनाइट नहीं हो रहा है इसको लेके, अभी टाइम आ गया है, बहुत रुक गया हम लोगों, बहुत पेशेंट है अभी, लेकिन हम लोगों यूनाइट होना है। स्टूडेंट यूनियन लोग भी अपना फ्यूचर सोचो, कल परसों आप लोगों भी नौकरी मांगेगा वो चीज़ भी सोचो, और ऑल दिस एपेक्स बॉडीज आप लोगों भी एक साथ आओ। नहीं तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में कोई कमिटी बनाता है, उसके बाद में चुपचाप बैठ जाता है, जो चाहिए उसको लेके आओ ना। आज हम लोगों हाफलोंग में धरना बैठा है, हम रिक्वेस्ट करता है हाफलोंग हफाई होसम बोल के बनाया था, वो हाफलोंग को अच्छा कले बनाया था, लेकिन हाफलोंग के लिए अच्छा कले बनाया ना, इलेक्शन को किसी को जिताने के लिए बनाया, मालूम नहीं गायब हो गया। तो आज हम वो लोग को नाम से हम बोलेगा, आप लोग को निकलो, आप लोग निकलो या में, हम लोग को क्या ऑटोनोमस स्टेट नहीं चाहिए नहीं कि आप लोग को, आप तो नॉन पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है बोला, हम लोग भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग निकलो। अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, अभी तो सामने में कोई इलेक्शन नहीं है, तो चलो दिल खोल के निकलो। अभी आर्टिकल 244A हम लोग को चाहिए, ऑटोनोमस स्टेट चाहिए हम लोग को, चलो निकलेगा एक साथ, क्या कले बैठा है घर में। इसलिए सिर्फ पॉलिटिक्स से हम लोग को अपना पर्सनल पॉलिटिक्स, हमारा बेटा को नौकरी दिलाने के लिए, हाँ हमारा इसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, उसमें हम लोग ख़त्म हो गया। 2-3 आदमी तो कमा लेगा, 2-3 आदमी तो करोड़पति हो जाएगा, लेकिन ये सब 1000 आदमी बाद में 5-4 ग्रेड नौकरी के लिए ऐसे घूमेगा हम लोग, उसके बाद में बोलेगा कि ये डेवलपमेंट है, जेरोक्स से पैसा कमाया बोलेगा, ऐसा वाला चीज़ करके हम लोग को ब्रेन वॉश करना चाहता है, हम लोग को यूथ को ब्रेन वॉश करना चाहता है। उसके बाद में जब आदमी लोगों ज़्यादा सब ड्रग्स लेने शुरू कर देता, हम लोग सोचता है कि यूथ लोगों क्यों ड्रग्स ले रहा है, क्यों ड्रग्स नहीं लेगा, नौकरी नहीं मिलता है, घर में खाने पीने का पैसा नहीं, आदमी का दिल में दुख हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसलिए गलत रास्ता में जा रहा है ना आदमी लोगों। आदमी को सही रास्ता में जाने के लिए हम लोगों सच में हम लोगों अगर सिस्टम ठीक करेगा तब होगा। हम लोग को पॉलिटिकल पावर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए तो हम लोग को जॉब्स नहीं मिल रहा है। जो ज़मीन है वो ज़मीन सीमेंट फैक्ट्री आके ले रहा है, माइनिंग फैक्ट्री आके ले रहा है। 1200 हेक्टर ज़मीन बिना गांव वाला को परमिशन अभी वहाँ में माइनिंग करेगा, सीमेंट फैक्ट्री बनाएगा, गांव वाला लोगों रोड में आके धरना कर रहा है, गाँव वाला लोग कहाँ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो डिमांड्स है वो इमिडिएटली फुलफिल होना चाहिए। पब्लिक को आप लोगों इतना मतलब लाइटली मत लो, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट भी, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट भी, वही हम लोग का मैसेज है। इसलिए हम लोगों ने ये हंगर स्ट्राइक करा है, नाउ और नेवर, डू और डाई, इनफ इज इनफ़।